हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर के बारे में, एंड ये प्रेयर उनके लिए है जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग फर्दर, ये जो प्रेयर है ये बहुत ही स्पेशल है, एंड आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, एंड चैलेंजेस कोई भी हो सकते हैं, आप डेली बेसिस पे इस प्रेयर के साथ काम करना स्टार्ट करो। दिस विल रियली 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 हेल्प यू। एंड एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं, कभी मन नहीं लगता है, पढ़ाई तो करनी है, पता ये काम भी करना है, बट हम पढ़ने के लिए बैठ नहीं पाते हैं, दैट अंदर से वो चीज़ नहीं आती है, काम तो करना है बट कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उस चीज़ पे, एंड लास्ट टाइम पे होपलेस सिचुएशन बन जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट। सो बेसिकली ये जो प्रेयर है किस चीज़ में आपकी हेल्प करेगी, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या फिर आपको कोई भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप उस केस में इस प्रेयर को यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई स्पेसिफिक आपकी इंटेंशन है, आपको सक्सेस चाहिए, कोई स्पेसिफिक मार्क्स चाहिए, तो उसकी इंटेंशन के साथ भी आप इस प्रेयर को बोलना स्टार्ट करें। दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है। एट द सेम टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो याद करवा भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता या याद करने में प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आप इस प्रेयर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, आप इस प्रेयर को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो आपको हो रही है पढ़ाई में, ठीक है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके, उस केस में ये प्रेयर आपको हेल्प कर सकती है। आपने इस प्रेयर को करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इस प्रेयर को बोलते हैं, प्रेयर को बोलने से पहले आप अपने माइंड में इस चीज़ को सोचें कि आप इसे क्यों कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसको आप ठीक करना चाहते हो, क्या स्पेसिफिक मार्क्स हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये एग्ज़ाम को आप क्लियर करने के लिए इसको कर रहे हो, कोई भी आपकी इंटेंशन हो सकती है, उसको आपने 2 मिनट के लिए पहले से सोचना है, अपने माइंड में आपने आउटकम को सोचना है, उसके बाद आपने इस प्रेयर को बोलना है। एक चीज़ तो ये है। सेकेंड चीज़, आप इसको बिना किसी इंटेंशन के भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको पढ़ाई में एंजल्स, आर्कएंजल्स की एंड जितने भी पावरफुल रियल्म है उनकी ब्लेसिंग्स आप पे रहे, जैसे कि आपको और लाइफ में सक्सेस मिले, तो भी आप जर्नली भी इसको फॉलो कर सकते हो। एंड ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ यही लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कुछ भी आप इन शॉर्ट कर रहे हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, यू आर अ स्टूडेंट, राइट, आप इस प्रेयर की हेल्प ले सकते हो। एंड ये प्रेयर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पावरफुल है, इसको डेली आपने बोलना है, आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हो। तो चलिए पहले देख लेते हैं प्रेयर क्या है। प्रेयर कुछ ऐसे है। सुप्रीम डिवाइन एनर्जीज एंड पावर्स, बिलवड आर्कएंजल्स माइकल, गैब्रियल, रफाइल, यूरियल, शमूएल, ज़ैकियल, जोफियल, हैनियल, ज़ैकियल, जोमियल, रेगुएल, रेजियल, एरियल, सैंडलफॉन एंड मेटाट्रॉन। बिलवड एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, वर्च्यूज, डोमिनेंस, थ्रोन्स, चेरबिम, सेरफिम, इलोहिम, सेकिना। बिलवड एंजल्स ऑफ द लाइट, लव, स्पिरिट एंड लोगोस ऑफ द हाइएस्ट एटर्नल and infinite source of omniscient, omnipotent, omnibeloved, omnipresent God. Beloved angels of knowledge, of earthly and heavenly knowledge, of material and spiritual knowledge. Beloved angels of wisdom, divine, universal, cosmic, true, perfect, complete, total absolute, ultimate, high, supreme, infinite, eternal wisdom. Beloved angels of karma, divine laws, dharma, divine plan, please surround me. Send your brilliant radiant light and your unconditional boundless love. Infinite light, divine light, infinite love, divine love, please open and clear my mind and consciousness, elevate and expand me, illuminate and enlighten me, bestow wisdom and knowledge on me, and awaken inside me divine awareness,
divine understanding and divine memory. I co-create, express and manifest higher, greater awareness, higher and greater understanding and memory, higher, greater understanding and wisdom in all areas of life and all levels of my being. I step into the divine mind, spirit and consciousness. I thank you from my heart and my soul. I thank you with my whole being. I am one with you. We are one. Love and blessings. Love and blessings for knowledge and wisdom to all, to everyone and everything. I constantly remain in your sacred and pure angelic energy, and I perceive, receive, understand, remember, apply, keep, transmit and share all the divine knowledge and wisdom that I recognize as real and true, and which I deserve and love. I am love, I am light, I am whole, I am happy, I am grateful. Thank you. Amen. तो ये थी हमारी प्रेयर एंड ये बहुत ही पावरफुल है. अगर आप ट्रस्ट के साथ, डिवोशन के साथ इस प्रेयर को फॉलो करोगे, आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो या फिर कोई भी चैलेंजेस अगर आने वाले भी हैं तो वो भी नहीं आएंगे, ठीक है. तो जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं जो सीख कर रहे हैं नॉलेज एंड विजडम को, एंड जो भी आप नॉलेज पाना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, तो आप इस प्रेयर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है. सो यप, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे. एंड अगर आप इस प्रेयर को ट्राई करते हैं, जैसे भी आपके फीडबैक्स हैं आप उसे यहाँ पे शेयर कर सकते हो. इट विल रियली हेल्प अदर पीपल टू ट्राई दिस प्रेयर आउट, बिकॉज आई नो जो इस प्रेयर में एनर्जीज एंड पावर्स मेंशन की गई है वो बहुत ही अमेजिंग है, एंड वो किसी की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है. तो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.